फुटबॉल इंडिया पक्ष न विपक्ष सिर्फ निष्पक्ष प्रस्तुत करता है लाइफ अचीवमेंट अवार्ड 2022 बरेली में 19 जून 2022 को। नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की खबरों के साथ। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अग्निपथ योजना को लेकर कहा है कि अग्निपथ देश के नौजवान युवकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ये युवाओं के जो भी सपने हैं उन्हें चकनाचूर कर रही है। सरकार आरक्षण वालों के साथ धोखा कर रही है। वहीं उन्होंने सरकार को दो टूक में कहा है कि ईडी राहुल गांधी और कांग्रेस का मनोबल नहीं तोड़ सकती है। बता दें कि संभल में एक शादी कार्यक्रम में शिरकत करने के दौरान हरीश रावत ने यह बयान दिया है। कुछ 3 साल से तैयारी कर रहा है, कुछ 4 साल से कर रहा है, कुछ 2 साल से तैयारी कर रहा है। एक दिन उनको अचानक मालूम पड़ता है कि वो तो 4 साल के लिए सेना से उनका वास्ता बनेगा यदि वो निकलते हैं छटते हैं। तो उनकी सारे फाप और 4 साल के लिए वो जाएंगे और जब वो घर वापस लौट के आएंगे तो लोग कहेंगे, मजाक में कहेंगे, अरे भाई अग्निवीर क्या हो रहा है, कब नौकरी लग रही है तेरी, कहाँ तुझको क्या मिल रहा है, कुछ उनको भेजा नहीं। तो उनमें बड़ी निराशा है इसमें। इधर जौनपुर में फादर्स डे के अवसर पर व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक बीजेपी नेता रूपेश, आपको बता दें रूपेश जायसवाल ने पितृदिवस पर आयोजित समारोह में 15 पिताओं को सम्मानित किया। समारोह में बुजुर्ग पिताओं को फूल मालाएं पहनाकर अंग वस्त्र देकर और अन्य मेवा मिष्ठान भेंट देकर सम्मानित किया गया। आज शाहगंज के इस उत्सव वाटिका परिसर में हम लोगों ने मिलकर पिता सम्मान समारोह कार्यक्रम किया, जिसमें अपने पिता तुल्य जितने अपने अतिथि रहे हम सबको अंग वस्त्र देकर पुष्पगुच्छ देकर उनका सम्मान किया है, उनसे आशीष मांगा है। जैसे उनके बच्चे आगे बढ़ें, हम सभी युवाओं को भी आशीर्वाद दें कि वो सब भी आगे बढ़ें। आगे बढ़ेंगे, खबर आगरा से है जहां अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि सेना भर्ती प्रशिक्षण देने वाले कोचिंग सेंटरों को अब बंद करा दिया गया है। इसी कड़ी में सेंटरों के बाहर प्रदर्शनकारी छात्रों को घर भेजा गया है। साथ ही आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि सेंटरों को दोबारा से खोलने की सूचना जल्द ही दे दी जाएगी। देखिए, ये जब परसों काफ़ी लड़के यहाँ शहर में भी सेंटर हैं और देहात में भी सेंटर हैं, कब परसों जब काफ़ी लड़के शहरी क्षेत्र में जमा हो गए थे और उन्हें समझा बुझा कर वहाँ से हटाया गया था, उस समय जो कोचिंग सेंटर्स वाले थे वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उनसे ये अनुरोध किया गया था कि अगले 2-3 दिन के लिए जब तक ये आंदोलन चल रहा अपना कोचिंग सेंटर बंद रखें, क्योंकि लड़के वहाँ पर पढ़ने आएंगे, उसके बाद इकट्ठे होंगे और कहीं किसी के बहकावे में आ सकते हैं। तो उन्होंने हमारी सलाह को माना है और अपने कोचिंग सेंटर अगले 2-3 दिन के लिए उन्होंने बंद किए हैं और जैसे ही स्थिति नॉर्मल हो जाएगी ये फिर अपने कोचिंग सेंटर दोबारा से चालू करेंगे। सर, सर, इन सैन्य कोचिंग सेंटर्स में कोई भूमिका दी? नहीं, उनकी कोई भूमिका नहीं है, उन वो सिर्फ कोचिंग दे रहे हैं और कोचिंग देने के बाद अपना बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं और उसके बाद वो कंपटीशन देते हैं। देखिए, जो यहाँ पर जो अभी तक की जो जानकारी 7 या 8 कोचिंग सेंटर हमारे जानकारी में आए हैं। इधर आगरा में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध जारी है। इसी कड़ी में प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया और पत्थर डालकर युवाओं ने नेशनल हाईवे को बंद कर दिया, जिसकी वजह से हाईवे पर लंबा जाम लग गया। इसी को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। फिलहाल प्रदर्शनकारी पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गए और आपको बता दें कि ये तस्वीरें भी इसी कड़ी में सामने आने लगी, जहाँ पर पुलिस इन पत्थरों को हटाने की कवायद में जुट गई।
उधर सहारनपुर में आरएलडी कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना को लेकर मच रहे बवाल पर राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा है, साथ ही योजना का विरोध प्रदर्शन भी किया है। आपको बता दें कि 28 जून से 11 जिलों में लोकदल युवा पंचायतें करेगी। इन पंचायतों का मुख्य उद्देश्य केवल अग्निपथ योजना का विरोध करना होगा। सरकार ने ये अग्निपथ योजना अव्यवहारिक योजना जो लाई है सरकार, इसके विरोध में राष्ट्रीय लोकदल पूरे प्रदेश में आज धरना प्रदर्शन कर रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी के निर्देश पर आज राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया गया है। बड़ी विडंबना है इस बात की कि जब सेना में भर्ती होती है, जो पिछले 5 साल से भर्ती नहीं खुली, और अगर खुलती है तो अल्पकालिक जो हमारा जवान 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा, उसके 6 महीने तो ट्रेनिंग में निकलेंगे, वो केवल 3.5 महीने काम करेगा, और 3.5 महीने काम करने के बाद भी उसके दिल में ये हीन भावना रहेगी कि तुझे 3.5 साल बाद रिटायर हो जाना है। बड़ी विडंबना है कि 72-72 साल के, 75-75 साल के लोग राजनीति में आके देश सेवा कर रहे हैं। श्रावस्ती में अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं के साथ आरएलडी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और जिला अध्यक्ष राजकुमार ओझा ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम भिनगा को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय लोकदल युवाओं के साथ है, अग्निपथ योजना से युवाओं को मानसिक आघात पहुंचा है। वहीं कन्नौज में भी अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। डीएम राकेश कुमार मिश्रा और एसडीएम, आपको बता दें सदर उमाकांत तिवारी, लगातार इसी को लेकर निगरानी कर रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। प्रशासन की सभी से शांति बनाए रखने की अपील है। यूपी बोर्ड की परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है, जिसमें अमेठी के 10 छात्रों ने मेरिट में स्थान हासिल किया है। बता दें कि शिवनायक इंटर कॉलेज गौरीगंज की हाई स्कूल की छात्रा ऋचा यादव ने 553 अंक हासिल कर, आपको बता दें, जिले में टॉप किया है। तो वहीं दूसरे नंबर पर प्रिया मौर्य ने परचम लहराया है। वहीं तीसरे नंबर पर संकेत कुमार ने आयाम स्थापित किया है। यूपी बोर्ड की परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। बता दें कि श्रावस्ती के रहने वाले इकोना के अभिषेक गुप्ता और विनय कुमार मौर्य ने जिला स्तर पर टॉप किया है। दोनों ने 92.83% अंक हासिल कर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टॉप किया है। वहीं इंटरमीडिएट में लड़कियों ने परचम लहराया है। इंटरमीडिएट गिलौला की संगीता ने जिले में टॉप किया है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा का परिणाम जारी हो गया है। इसी में आपको बता दें हरदोई के माधोगंज के रहने वाले अभय पटेल ने टॉप 10 में जगह हासिल की है, जिसके बाद परिवार और स्कूल में खुशी का माहौल है। आपको बता दें अभय बड़े होकर डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। उन्होंने अपनी सफलता का सारा श्रेय स्कूल प्रबंधकों और अध्यापकों को दिया है। सर, इस नतीजे पर मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मतलब जितना हो सके उतना करो, पढ़ाई में जितना इंटरेस्ट हो, मतलब ये नहीं कि 7 घंटे पढ़ाई की, 8 घंटे पढ़ाई की और फिर मन नहीं लग रहा है, फिर उसके बाद मतलब जितना हो सके उतना करो, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, मतलब उस पर डिपेंड करता है, कितना पढ़ते हो उस पर नहीं। आगे क्या बनना चाहेंगे आप? मैं आपको सफलता मिली, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मैंने इंट्रेंस मेडिकल चूज़ कर लिया है। मैं आगे जाकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ, और जो जिन लोगों को क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट नहीं मिलता, मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ, उनकी मदद करना चाहता हूँ। आज जो आपको सफलता मिली, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? सर, आज जो मुझे सफलता मिली है सर, मैं उसका श्रेय अपने मैनेजर सर, डायरेक्टर मैम, प्रिंसिपल मैम और स्पेशली शालिनी मैम को देना चाहता हूँ। खबर कन्नौज से है, जहां यूपी बोर्ड की परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद जिले के छात्र अंकित ने टॉप 3 में मुकाम हासिल किया है। बता दें कि अनिकेत ने पिता
पेशे से उनके वेल्डर हैं जो धूप में तप कर बेटे को पढ़ा रहे हैं। प्रदेश में तीसरा स्थान पाने पर उसके पिता और टीचर फूले समाते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। भविष्य में आईएएस बनने का सपना देख रहा यह प्रदेश टॉपर गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना चाहता है। अच्छा लग रहा है, अपनी मेहनत का फल है। कैसी तैयारी की थी आपने और स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? मतलब पढ़ाई का टाइम टेबल बनाकर नियमित रूप से, मतलब क्लियर था कि इतने घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। कितने घंटे पढ़ते थे? 6 से 7 घंटे। अपने पिताजी का, पिताजी और माता जी ने भी जाहिर सी बात सपोर्ट किया होगा आपका। क्या कहते थे वो आपसे, कैसे पढ़ा? वो कहते थे कि मेहनत से पढ़ो और अपना एम को ध्यान रखो। सफलता का श्रेय किसको देते हैं? सफलता का श्रेय अपने पूरे परिवार को और विद्यालय के प्रधानाचार्य जी और अध्यापक। औरैया में कोरोना के नए केस मिलने के बाद सीएचई आयाना ने कोविड L1 अस्पताल में बचाव और उपचार के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया और इसकी तैयारियों का जायजा भी लिया गया, जिसमें कोरोना संक्रमित के रूप में एक कर्मचारी ने कंट्रोल रूम पर तबियत खराब होने की सूचना दी, जिसके बाद एम्बुलेंस से मरीज को कोविड अस्पताल लाया गया। अस्पताल ले जाने के बाद समय के साथ मरीज को उपचार देने को लेकर उसको परखा गया। इस दौरान डॉक्टर शिव मोहन यादव, डॉक्टर रवि प्रकाश, स्टाफ नर्स शिवानी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। प्रयागराज के उतराव थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव में आंधी तूफान में एक पोल्ट्री फार्म की दीवार गिर गई, जिसमें एक नीचे दबने के कारण एक महिला की गंभीर अवस्था में मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल मां बेटे को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया। वहीं घायल बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। उधर पीलीभीत जिले के पूरनपुर कस्बे में सुबह तड़के मोगा मार्ट में आग लग गई। आग से मार्ट में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। मार्ट में जाने के लिए दीवार को बुलडोजर की मदद से तोड़ा गया, उसके बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन आग बुझाने से पहले ही सब कुछ खाक हो चुका था। 50 लाख से ज्यादा के नुकसान की संभावना जताई जा रही है। सिद्धार्थनगर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां बाइक की टक्कर हो गई है। इस हादसे में एक महिला की मौत भी हो गई है। वहीं मृतक महिला के नाराज परिजनों ने गुस्से में बाइक में आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बाइक को अपने कब्जे में लिया है। और इन्हीं खबरों के साथ मेरे साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।